वक्त है सत्य और तथ्य का। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और आज ऐसी एक तस्वीर मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर कजान में हो रहे ब्रिक्स समिट की है व्यूअर्स, और इसके जरिए जो कहानी बयां हो रही है उससे ना जाने दुनिया के कितने देशों की बोलती बंद हो गई होगी। नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग का एक साथ एक मंच पर एक फ्रेम में होना वर्ल्ड ऑर्डर की नई केमिस्ट्री का एक जीता जागता सबूत है। अब इसी तस्वीर का एक एक्सटेंशन आपको मैं दिखाता हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बात का एक छोटा सा अंश है, लेकिन इस छोटे से अंश के मायने बहुत बड़े हैं। У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। पुतिन के शब्दों पर गौर करने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि भारत और रूस के संबंध इतने गहरे हैं कि आपसी बातचीत को समझने के लिए ट्रांसलेटर की भी आवश्यकता नहीं है। इतिहास गवाह है कि रूस भारत का ईमानदार दोस्त हमेशा रहा है। रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है, और ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ पुतिन की दोस्ती का ही एक बड़ा इंपैक्ट है कि रूस ने भारत और चीन के बीच विवाद खत्म कराने के लिए काफी बड़ी कोशिश की, लेकिन नया भारत किसी के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं लेता है, फिर चाहे अमेरिका हो या फिर चीन या फिर रूस। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग के सामने बैठकर साफ साफ शब्दों में कहा कि सीमा विवाद का सही तरह से समाधान निकाला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का चीन को साफ शब्दों में, कड़े शब्दों में संदेश है कि भारत अपनी सॉवरेनिटी से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। रूस और चीन G7 के सामने ब्रिक्स को मजबूत करना चाहते हैं, और दोनों ही देश जानते हैं कि भारत के बिना यह संभव नहीं है। मोदी राज में भारत एशिया की ऐसी पावर बन चुका है जिसे ना तो निग्लेक्ट किया जा सकता है और ना ही नाराज किया जा सकता है। भारत के साथ अमेरिका, रूस, ईरान, इजराइल, सऊदी अरब, टर्की, अधिकतर देश, दुनिया के बड़े देश समझौते करना चाहते हैं और उससे रिश्ते रखना चाहते हैं। ये नए भारत की उभरती हुई ताकत है। ये मोदी की डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है।